हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टुडे वी डिस्कस दी आस्की कोड लास्ट क्लास वी डिस्कस दी बीसीडी कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल आस्की इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आस्की इट इज़ अ सेवन बिट कोड

इन केस ऑफ आज की अपर केस अल्फ़ाबेट एज वेल एज द लोअर केस अल्फ़ाबेट अल्सो रिप्रजेंटेड दिस कोड अलाउज और दिस कोड वाइडली यूज फॉर द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए ये कोड बहुत ज्यादा यूज होता है जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर में हम लोग कोई डेटा को एंटर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंटरफेसिंग डिवाइस सचैस और वी कैन से दैट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड प्रिंटर और वीडियो डिस्प्ले सो This ASCII code converts our information into a respective binary code with the with the help of some format. It is a seven-bit co code from X6 to X0. Okay, so first three bit represent the column. First three bit represent the column, and next four bit represent the row. There is a one table of ASCII code actually. आई विल शो यू फ्रॉम द फड़के प्रकाशन फ्रॉम दिस जो फर्स्ट थ्री बीट है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम को एंड नेक्स्ट फोर बीट रिप्रेजेंट द रो सो आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एनी नंबर तो मैं इस टेबल का हेल्प लूंगी दिस टेबल इज यूज बाय द कंप्यूटर सो इन दिस केस आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट ए ए को रिप्रेजेंट करना है तो पहले जो थ्री बीट है एक्स सिक्स एक्स फोर एक्स सिक्स एक्स फाइव एक्स फोर वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को सो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो एंड नेक्स्ट फोर बिट रिप्रेजेंट द रो तो कौन सी रो हम लोग कंसिडर करेंगे सेकेंड सो सेकेंड रो में क्या है जीरो 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 वन सो ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन दिस इज ए सपोज आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एम एम को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग कर सकते हो क्या तो एम का कॉलम कौन सा है? तो सेम आप लोगों का वन जीरो वन जीरो जीरो राइट अभी उसका आप लोगों को रो देखना है तो लास्ट थॉर्ड रो है आप लोगों का वन वन जीरो वन 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 जीरो वन तो ये आप लोगों का क्या होगा तो ये आप लोगों का कैपिटल एम हो गया इसी तरीके से आप लोगों को लोअर केसल्फ़ाबेट भी यहाँ पे मिल रहे हैं अपर केस अल्फ़ाबेट भी मिल रहे हैं नंबर्स भी मिल रहे हैं जीरो से लेके नाइन तक बिकॉज ऑल अदर नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज एंड नाइन सम स्पेशल सिम्बॉल्स आर ऑल्सो गिवेन हीयर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए आप लोगों को कुछ साइंस भी मिल रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन ये साइन भी आप लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कोड तो आज की कोड अभी आज की कोड आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में कैसा रहता है सभी बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि ये पूरा टेबल हम लोगों को रिमेंबर करके रखना पड़ेगा क्या तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों ने दो एग्जाम्पल लिख लिए तो हर एक एग्जाम्पल के ऊपर आप लोगों को हाफ हाफ मास मिल के एक मास मिल जाएंगे एक्चुअली दिस इज दिस क्वेश्चन आज फॉर द थ्री मास यूजअली तीन मास के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक मास आप लोगों को क्या लिखने के लिए तो एक मास आप लोगों को इसका लॉन्ग फॉर्म लिखने के लिए दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज देन होल दिस प्रोसीजर आप लोगों को लिखने के लिए एक मास मिलता है और आप लोगों को एग्जाम्पल लिखने के लिए एक मास आप लोगों को मिलता है इस तरीके से आप लोगों का तीन मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फॉर द आज के कोड होप सो यू अंडरस्टैंड Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends. Any doubt, you can comment on the comment section, and please subscribe the channel. Thank you.